तो हेलो गाइस, आगे हम एक और माइनक्राफ्ट नए वीडियो के साथ। तो गाइस, इस बार वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही स्टूपिड मोड। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ये मोड लिटरली बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, क्योंकि आप लोगों को इसमें मतलब ऐसे वेपन्स मिलने वाले हैं जिनका डैमेज मतलब गॉड लेवल डैमेज गाइस, मतलब 9999 हर एक वेपन का डैमेज है, और इन्हें आप क्राफ्ट कर सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली गाइस, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी आप लोग इन्हें क्राफ्ट कर सकते हो, मतलब इन्हें क्राफ्ट करना बहुत ही आसान है गाइस। और इनके डैमेज मतलब क्या बताना है गाइस, इनका डैमेज मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है गाइस। मतलब आप लोग इस वाले सॉवल की मदद से सिर्फ एक हिट से आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा कर सकते हो गाइस, सिर्फ एक हिट से। और तो और मतलब इसमें इतना ज़्यादा खतरनाक मतलब इसमें शॉर्ट है कि आप लोग सिर्फ शॉर्ट एक हिट से, जी हाँ गाइस, सिर्फ एक हिट से आप एंडर ड्रैगन तक को ही मार सकते हो सिर्फ एक हिट से। तो अगर आप लोगों को जानना है कि इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड आप कैसे कर सकते हो, इन वाले ऑसम वेपन्स को आप क्राफ्ट कैसे कर सकते हो, और इसका क्या क्या फीचर्स है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोगों को इस वाले मोड में कौन कौन सा और किस टाइप के वेपन्स आप लोग देखने को मिल जाता है गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएटिव वाले इन्वेंटरी से इन सारे वेपन्स को निकाल लेता हूँ, और आप लोग इसे क्राफ्ट भी कर सकते हो, इसके क्राफ्टिंग रेसिपी में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट में बताया, तो आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो तो आप लोग यहाँ पे टोटल आप लोगों को 5 टाइप का नया वेपन्स देखने को मिल जाता है, नया एक्स, नया होई, नया पिकेक्स, नया सवल और नया स्वॉर्ड। और गाइस, इन सब का डैमेज मतलब काफ़ी ज़्यादा गॉड लेवल डैमेज समझ लो गाइस। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मतलब सबका 50,000 डैमेज है गाइस, 50,000 इस एक्स का, और इतना तगड़ा डैमेज होने के अलावा इस वाले एक्स का और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, मतलब इस सारे वेपन का काफ़ी सारे फीचर्स है, इतने मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका डैमेज ज़्यादा, इसके अलावा भी इनमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स है जो मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। और सबसे मेन थिंग ये है इस वाले मोड की कि आप लोग इन सारे वेपन्स को बहुत ही इजीली क्राफ्ट कर सकते हो गाइस, मतलब लिटरली बहुत ही इजीली। मैं आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ आप लोग इसे कैसे क्राफ्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्स का ताकत दिखा देता हूँ गाइस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इस एक्स की मदद से इस वाले वुड को कट किया, तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे कि एक्स मतलब वुड का जितना भी टाइप है, मतलब वुड का जितना भी टाइप है वो सारा टाइप आपका हर एक स्टैक आप लोग मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि वुड का जितना भी टाइप है हर टाइप का एक एक स्टैक आप लोग को मिल जाएगा सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ वुड कट करने से इस वाले एक्स की मदद से गाइस। आप लोग हमें फिर से कट करके दिखा देते हैं, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इस वाला वुड है, मैं यहाँ पे आप लोग कट करके दिखाते हूँ, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हर टाइप का वुड का स्टैक मुझे मिल चुका है गाइस सिर्फ एक ब्लॉक की मदद से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला एक्स कितना ज़्यादा ऑसम और कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए सर्वाइवल में। तो गाइस, जो हमारा अगला वेपन वो हमारा हो ही है, तो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप से गाइस, सिर्फ एक ही टाइप से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा ये मतलब इफेक्ट कर रहा है ये हो ही, कितना ज़्यादा, सिर्फ एक बार मैं टैप कर रहा हूँ देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा तक दूर तक ये काम कर जा रहा है ये वाला हो ही। तो गाइस, अब आप लोगों को यहाँ पे हर ब्लॉक पे जाके यहाँ पे फार्म लैंड बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक पे टैप करना और आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत बड़ा फार्म लैंड आप लोग को ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा इस वाले मोड की मदद से। तो गाइस, जो हमारा अगला वेपन वो हमारा पिकैक्स है, सिंपली आप लोग इसे अगर चाहो तो होल्ड करके नॉर्मल पिकैक्स की तरफ यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका असली पावर ये है कि जैसे आप सिर्फ एक बार टैप करोगे, देखना गाइस जैसे मैं यहाँ पे एक बार टैप करूँगा स्क्रीन पे, तो गाइस देखना आप ये क्या होने वाला है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, जैसे मैंने एक टैप के यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा बन गया है सिर्फ एक टैप से गाइस, अगर आप लोग इसे चाहो तो नॉर्मल पिकैक्स की तरफ यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर आप एक टैप करोगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा गड्ढा बन गया है यहाँ पे गाइस। तो मैं आप लोग यहाँ पे फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, सिंपल आप लोगों को इस पहले पिकैक्स को लेना है, सिंपली आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे एक टैप करना है, इसको आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा ऑटोमेटिकली बन जाएगा सिर्फ एक टैप से गाइस। आप लोग इस बात से इस वाले पिकैक्स का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा है ये। और तो यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले पिकैक्स की मदद से अगर आप यहाँ पे स्टोन में अगर डिग करोगे, स्टोन में अगर यहाँ पे आप माइन करोगे, तो आप लोग को यहाँ पे हर टाइप का ब्लॉक मिल जाएगा, हर टाइप का लिटरली यहाँ पे डायमंड का, नेदर का, गोल्ड का, हर टाइप का आप लोग का ब्लॉक का एक स्टैक मिलने वाला है गाइस अगर आप लोग वाले पिकैक्स की मदद से अगर डिग करोगे स्टोन में। तो अगर आप डर्ट में डिग करोगे तो आप लोग कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली आप लोग यहाँ पे अगर हर चीज का स्टैक लेना, सिंपली आप लोग यहाँ पे स्टोन में डिग करना होगा इस वाले पिकैक्स की मदद से। तो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे सिर्फ स्टोन के ऊपर आप लोग इस वाले पिकैक्स की मदद से डिग करते जाएगा, आप लोग यहाँ पे हर टाइप का ब्लॉक के एक स्टैक मिल जाएगा सिर्फ एक डिग से। आप लोग यहाँ पे अगर स्टोन का एक ब्लॉक तोड़ोगे इस वाले पिकैक्स की मदद से आप लोगों को हर टाइप का ब्लॉक का एक स्टैक आप लोग को मिल जाएगा ईजिली एकदम। लेकिन ये वाला थोड़ा जो पिकैक्स है इसका यूज़ थोड़ा हल्का लैगी हो सकता है अगर आपका लो एंड डिवाइस है मेरी तरह तो।
लेकिन फिर भी ये वाला जो पिकेक्स है ये लिटरली गाइस देखिए स्टूपिड है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक टैप से आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे स्टोन को डिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब हर टाइप का आप लोगों को ब्लॉक का स्टैक मिल जा रहा है। मतलब आप लोग पता चल गया कि मैं यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग क्यों कहा था कि ये वाला मोड स्टूपिड है। तो गाइस सेम थिंग आप लोग यहाँ पे सोवल के साथ भी होगा। अगर आप लोग यहाँ पे सोवल से यहाँ पे अगर डिक करोगे डर्ट को तो आप लोगों को यहाँ पे हर टाइप का डर्ट आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जितना भी टाइप का होता है नेदरराइट वाला भी आप लोग मिल जाएगा यहाँ पे। हर टाइप का हर बायोम का आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आप लोग यहाँ पे एक टाइप से मतलब इस तरह भी देख सकते हो, आप लोग एक टाइप करोगे तो आप लोग यहाँ पे इस तरह भी गड्ढा हो जाएगा सोवल की मदद से भी। तो ये भी गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अरे ये वाला म्यूजिक मुझे फिर से क्यों सुनाई दे रहा है। खैर इसे इग्नोर मारते। तो गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हो कि इस वाला सोवल का कितना ज्यादा अरे यार जब भी ये म्यूजिक बजता है मैं हमेशा मर जाता हूँ, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। खैर छोड़ो ये सब। तो गाइस अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग इस वाला ऑसम मोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो गाइस इस वाला ऑसम मोड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस वाले मोड का बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक का डाउनलोड लिंक दे रखा है, सिंपली आप लोग उस पर टैप करके इस वाला ऑसम मोड को आप लोग अपने फोन में डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को इस वाले मोड को अपने माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना कुछ इस तरह से। और आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू पर टैप करना और यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप लोगों को सबसे पहले तो इधर स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट्स वाला ऑप्शन है सिंपली आप लोगों को इन चारों को इनेबल कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को रिसोर्स पैक में जाकर माई पैक्स में जाकर जो भी मोड आप लोगों ने डाउनलोड किया सिंपली आप लोगों को उसे भी एक्टिवेट कर देना है। और बिहेवियर पैक में भी आप लोगों को सेम थिंग करना है, सिंपली आप लोग बिहेवियर पैक पर टैप करना है, माई पैक्स में जाकर जो भी आप लोगों ने डाउनलोड किया सिंपली आप लोगों को उसे भी एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद सिंपल आप लोग ये जो वर्ल्ड है वो क्रिएट कर देना। तो गाइस जब तक वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो कर दिए लाइक। अगर आपने हमारे चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल वाले नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलरली माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऑसम मोड्स और वीडियोज लाते रहता हूँ। और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देख सकते हो आप जो मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। तो गाइस अब आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इन सारे ऑसम वेपन्स को क्राफ्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइस क्राफ्ट के लिए सिंपली आप लोगों को चाहिए होगा कुछ डर्ट और कुछ स्टिक। जी हाँ गाइस बस, और आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत नहीं गाइस। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये वाला मोड जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड है। उतना सारे मतलब खतरनाक वेपन्स को बनाने के लिए सिर्फ आप लोग यहाँ पर डर्ट और स्टिक लगा रहा है गाइस। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा मतलब स्टूपिड मोड है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डर्ट ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। हाँ बस इतना काफ़ी होगा। तो मैं यहाँ पे सारे डट को ले लेता हूँ। उसके बाद आप मैं यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रखता हूँ सबसे पहले। तो आप लोग यहाँ पे रेसिपी देखना ध्यान से। सिंपली मैं क्राफ्टिंग टेबल रखूँगा, इसे मैं ओपन करूँगा। इसके बाद आप लोग को जो मतलब जिस तरह से आप लोग यहाँ पे कोई भी डायमंड का स्वॉर्ड या डायमंड का पिकेक्स बनाते हो सेम टू सेम उसी रेसिपी से आप लोग यहाँ पे बाकी सारे इन सारे वेपन्स को भी क्राफ्ट कर सकते हो। सिंपली आप लोग वहाँ पे डायमंड रखते हो, डायमंड के जगह पे आप लोग यहाँ पे डर्ट रख देना गाइस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोग यहाँ पे। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स बनाने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे डर्ट रख देना कुछ इस तरह से और स्टिक को कुछ इस तरह रख देना। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ऑसम जो एक्स है वो आप लोग मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे होल भी क्राफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग पिकेक्स भी क्राफ्ट कर सकते हो, सोवल भी क्राफ्ट कर सकते हो, ये स्वॉर्ड भी क्राफ्ट कर सकते हो इसी तरह से। तो गाइस आप लोग देखा ना यहाँ पे कि कितना मतलब कितना ज़्यादा डैमेज वाले वेपन्स को आप लोग यहाँ पे कितना इजीली क्राफ्ट कर सकते हो गाइस। इसीलिए इस वाले मोड का नाम स्टूपिड मोड नाम है गाइस। तो गाइस बस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वाला मोड और ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out, I'm talking about.